एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में 2 जोरदार धमाके हुए हैं। इन धमाकों की चपेट में आने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई है और कई दर्जन लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि ये दोनों धमाके पश्चिमी काबुल में हुए हैं। पहला धमाका मुमताज स्कूल में हुआ है। चश्मदीद ने वही बताया कि इस धमाके में कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं दूसरा धमाका किसी अन्य स्कूल के पास हुआ है। सूत्रों की माने तो सूत्रों के मुताबिक पश्चिमी काबुल में हुए धमाकों की चपेट में दर्जनों लोग आ गए हैं। इस घटना में कुल 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हालांकि धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी भी संगठन ने नहीं ली है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने शनिवार को हवाई हमले किए थे। पाकिस्तानी एयरफोर्स के खोस्त और कुनार प्रांतों में हवाई हमलों में 47 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने दक्षिणी पूर्वी खोस्त प्रांत के सप्राई जिले में और पूर्वी कुनार प्रांत में शाल्टन जिले में वजीरिस्तान शरणार्थियों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तानी एयरफोर्स की कार्रवाई की अफगानिस्तान ने कड़ी निंदा की और विदेश मंत्रालय ने हमलों के जवाब में काबुल में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान को तलब किया। इसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगान सीमा के आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षित करने और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।